आ, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कल से मैं काफ़ी एंशियस थी कि रिजल्ट अच्छा जाएगा भी नहीं जाएगा थोड़ा डर भी था तो लगातार फोन चेक कर रही थी बट ये काफ़ी ही एक सडन सा एक आ, दब, इवेंट था विच हैज चेंज थिंग्स आपके सब्जेक्ट क्या थे और ये कौन सा टाइम था, था आपका जिसमें आपको सफलता मिली है? आ, सब्जेक्ट मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री था आ, और ये मेरा दूसरा अटैम्प था, था जिसमें मुझे आ, ये रैंक मिली है हेलो एवरीवन कैसे हैं आप आशा करता हूं हुँ स्वस्थ होंगे और आज हम लोग तीस में 2022 के दा हिंदू को डिस्कस करेंगे दोस्तों यूपीएससी का कल रिजल्ट आ गया और इस बार दोस्तों जो लड़कियों ने बाजी मारी टॉप थ्री में अगर आप देखें का, का शर्मा अंकिता अग्रवाल जैमनी सिंगला यानी तीनों आपको गर्ल्स देखेंगी दोस्तों तो इस तरह इस बार गर्ल्सों ने अच्छी खासी अगर हम देखें तो छलांग लगाई है टॉप थ्री रैंक पर उन्होंने कब्जा किया है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को शेयर और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आइए डिस्कस करते हैं आज का जो क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स दो हजार सत्रह में ये क्वेश्चन आया है क्वेश्चन क्या आगे है अब जो राइट टू वोट है राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया एज ए यानी जो राइट टू वोट है ये हमारा क्या फंडामेंटल राइट right है नेचुरल राइट right है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है या लीगल राइट है इसका राइट right आंसर आपको वीडियो के एंड में दिया जाएगा कोशिश करिए कि आप इसका राइट right आंसर क्या हो सकता है वहीं आते हैं हम लोग आज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है यूपीएससी दो हज़ार सत्रह में आया हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन के आगे बेन आतंकवाद की महाविपत्ति सबसे पहला की बात है आतंकवाद कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक गंभीर चुनौती है इस बढ़ते हुए संकट का नियंत्रण करने के लिए आप क्या हल सुझाते हैं और आतंकी जो फंडिंग हो गई निधियन हो गए कि इसके प्रमुख स्रोत क्या है ये जो महत्वपूर्ण कीवर्ड है दोस्तों इन पर पूरा आपका आंसर फोकस्ड होना चाहिए इसका आपको आंसर लिखने की कोशिश करनी है इसका आंसर आप क्या कहाँ भेज सकते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप में भी लिख के भेज सकते हैं या फिर फेसबुक पेज पर भी भेज सकते हैं या फिर आप इसी कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं तो मैं आपको रिव्यू करूँगा कि आपने कैसा आंसर लिखा है और आइए दोस्तों आज का जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिसको हम लोग डिस्कस कर ले हैं वो है यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है कब का 2021 वाला और इस बार अगर हम देखें जो टॉप थ्री जो गर्ल्स हमें देखने को मिली का शर्मा अंकिता अग्रवाल जैमनी श्रिंगला ये तीनों ही क्या है फर्स्ट जो तीन रैंकिंग गर्ल्स गर्ल्स ही ने ही यहाँ पर बाजी मारी है वही अगर हम देखें इस बार जो कैंडिडेट हमें देखने को मिले हैं जो टोटल कैंडिडेट हैं छः जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं जिसमें से एक क्या है वमेंस हुई हैं दोस्तों और बाकी के जो हैं रिकमेंड के थ्रू उनका अपॉइंटमेंट हमें देखने को मिला है तो इस बार अगर हम देखें जो एक नौ मैन सेक्शन हो गया वहाँ से तिहत्तर और 203 सौ तीन किस बिलोंग करते हैं ओ बी सी से और 105 सौ पाँच एस सी कास्ट से और 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 ट्राइबल कम्युनिटी से भी देखने को मिली है और जर्नल कैटेगरी से हमें ट्राइबल से एस से कितने देखने को एसटी से 60 और इस बार जो जर्नल से कितने दो चवालीस जो कैंडिडेट हैं वो हमें देखने को मिले हैं सेलेक्ट हुए हैं तो ये पूरा मोटा माटी खाँचा हो गया और आज हम आइए देखते हैं आज अगर हम देखें तो ये कल मैंने एक वीडियो बनाया था ये वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया था कि, कि टॉप टेन में कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनकी मैंने उसमें पूरी लिस्ट थी उसको बताया था तो इस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो वहाँ से आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों अभी हमें क्या देखने को मिला है कि जो सुधीप सिंह सिद्धू या फिर कहें सिद्धू मूसेवाला इनकी हत्या हो गई दोस्तों शूट आउट के दौरान इनकी क्या हो गई हत्या हो गई कहाँ पर मानसा डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिली थी तो इसको लेकर क्या कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि इनके जो तार हैं दोस्तों इनकी जो गैंग है प्लानिंग है वो जेल के अंदर से बनाई गई है और कौन जो गैंगस्टर हैं लॉरेंस बिस्नो ये कौन है पुलिस पर्सनल का बेटा हुआ करता था लेकिन ये क्या हुआ स्टूडेंट हुआ करता था धीरे धीरे ये गैंगस्टर बन गया तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसके अगर देखें गैंग में लगभग सात से ज़्यादा इसके क्या हैं मैन है मिलेट्री या इसकी कम्युनिटी है जो शार्प शूटर भी है कोशिश में क्या है काम करते हैं तो इन सभी ने क्या है इसको अंजाम दिया है वहीं अगर हम बात करें इस बिश्नोई की तो बिश्नोई जो लॉरेंस बिश्नोई है ये उन्नीस में इसका जन्म हुआ था ये कहाँ से डी कॉलेज चंडीगढ़ से पढ़ा हुआ है इस जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ इसने ज्वाइन किया धीरे धीरे इसके पास फादर अगर हम देखें तो कॉन्स्टेबल थे और उसके बाद अगर हम देखें लीव करके ये जो पुलिस की नौकरी है लीव करके ये कहाँ अपनी फार्मिंग में जुड़ गई थी तो इसको अगर हम देखें जो विष्णई हो गया ये गैंगस्टर है हालांकि अभी ये हमें तिहाड़ जेल में है लेकिन ये ऐसा सोर्सों का कहना है पुलिस का कहना है कि इसी ने क्या है प्लानिंग तैयार की है और इसी के जो है जो मिलिट्री एंड ग्रुप हो इन्हीं के ग्रुप से क्या है फायरिंग की गई है और ये सारी इसमें चीज़ें डिस्कस की गई हैं आते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर ये वाला आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है दोस्तों बेसिकली अगर हम देखें तो इस बार दोस्तों क्या हुआ है डी में आपको क्या देखने को मिलता था अभी तक मेरिट बेस्ड पूरी एडमिशन हुआ करती थे लेकिन इस बार जो डी है उसने अपनी पूरी प्रोसेस चेंज कर दिया एडमिशन की क्या कर दिया अब एंट्रेंस होने लगा उसका नाम क्या है सी यू ई टी कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट ये होता है एंट्रेंस टेस्ट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है इस एंट्रेंस टेस्ट में जो पास होगा उन्हीं को सिलेक्शन दिया जाएगा लेकिन एक कंसर्न क्या है कंसर्न ये है कि सेंट स्टीफन कॉलेज है ये हमें देखने को मिलता है माइनॉरिटी वाला है लेकिन जो सी यू ए टी है इसमें क्या कहा था इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा ऐसा भी के लिए एक कल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी लेकिन ये जो कॉलेज है सेंट स्टीफन कॉलेज इसमें अगर हम देखें तो बेसिकली ये माइनॉरिटी को ज़्यादा प्रिविलेज देता है तो इस, इसको लेकर कंसर्न था और इस बार अब क्या किया गया है रिवाइज नोटिस जारी करेगा सेंट स्टीफन कॉलेज का जो प्रोस्पेक्टर्स है फिर से जारी किया जाएगा और इसका भी जो क्या है विड्रॉ कर लिया गया फिर से ये रिवाइज फिर से ये प्रोस्पेक्ट जारी करेंगे जिसमें बात क्या की गई है इसमें अगर हम देखें तो 50 परसेंट तो क्या है जो सी यू ई टी का स्कोर होगा उसके बेसिस पर और 50 परसेंट क्या होगी जो यूनिवर्सिटी हो गई ये डिसाइड करेगी जो माइनॉरिटी के लिए दी जाएंगी तो ये सारी इसमें चीज़ें डिस्कस की गई हैं आते हैं हम आज बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण आर्टिकल से जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये डेटा पॉइंट मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए हैं इनको आप देख सकते हैं इनको फ़ायदा क्या है जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें अगर आपको कुछ भी डेटा पॉइंट यूज करनी है तो इस डेटा पॉइंट की आप मदद ले सकते हैं जैसे आप कुछ भी लिख रहे हैं मान के चलिए तो एजुकेशन पर अगर आपको ये आंसर लिख रहे हैं तो ये जो डेटा है एजुकेशन वाला इस डेटा को आप उसमें यूज कर सकते हैं तो आपका जो आंसर है वो और ज़्यादा एम रिच हो जाएगा और ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा ऑथेंटिक हो जाएगा विध विध अगर आप क्या डेटा पॉइंट के साथ उस आंसर को लिखते हैं तो डेली अगर मैं जब भी डेटा पॉइंट्स आएंगे तो आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में जरूर इन डेटा पॉइंट्स को शेयर करूंगा तो ये डेटा पॉइंट्स होगा आज ये वाला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे अब आज क्या है वर्ल्ड नो टबैकू डे है तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे थर्टी फर्स्ट मे को मनाया जाता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जी एस पेपर टू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम डिस्कस करने वाले हैं वहीं ये वाला हमारे काम का नहीं है और साथ ही इसको अगर हम देखें ये वाला भी हमारा काम का नहीं ये हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि अभी क्या किया गया है जो आई का सीजन था दोस्तों इस बार का जो सीजन है आई पी का इसको किसने जीता है इसको जीता है गुजरात टाइटन्स ने तो इस पर हम डिस्कस करेंगे इसमें ये बेसिकली ये बात की गई उनकी जर्नी को बताया गया तो बेसिकली जो ओवरव्यू है किसे कौन सा अवार्ड मिला है तो हम इसको जानेंगे वहीं ये वाला एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल है वहीं इस आर्टिकल को हम बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे ये हमारे जी पेपर थ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और खासकर जो इंटरनल सिक्योरिटी हो गई दोस्तों इससे हर साल सवाल आते हैं तो इससे रिलेटेड हैं तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे बहुत ही डीपली ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है, है हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला आर्टिकल बॉर्न टू बेन यानी गुजरात टाइटन जो इस बार का टाइटल जीता है क्या हुआ बेसिकली गुजरात टाइटसंस ऐसी साल बनी थी दो में ये न्यू टीम बन के आई थी और उसने इसी साल ये तमगा जीत लिया आई का जो टाइटल है दो का एडिशन जीत लिया है तो आइए डिस्कस करते हैं इसमें क्या बात की गई है गुजरात टाइटन्स ने विन किया है इस आई को तो हमें क्या क्या देखने को मिला इस आई में जो महत्वपूर्ण चीज़ें रही पहली चीज़ तो ये है कि ये टाइटल किसने जीता टाइटल जीता गुजरात टाइटन्स ने और अगर देखें सेंचुरी किस किसने बनाई है जोश वटलर ने और कि कितनी चार सेंचुरी बनाई है जोश बटलर ने अकेले लिए ने बाकी के राहुल ने भी बनाई हैं कि दो सेंचुरी डी कॉक ने भी बनाई है रजत पाटीदार ने भी बनाई तो ये कुछ सेंचुरी और सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट किसका रहा है दिनेश कार्तिक का देखने को मिला ज़्यादा सक्सेस किसने मारे हैं जोश वटलर ने मारे हैं रियान पराग ने सबसे ज़्यादा कैच लिए हैं वहीं जो बॉलिंग फिगर में अगर हम देखें तो यजुवेंद्र चहल वनान हसरंगा इन सभी ने अच्छा कमाल किया है और जसप्रीत बुमराह का अच्छा स्पेल रहा है तो ये सारे कुछ डेटा पॉइंट है जो हमें देखने को मिले इस बार वो जो हाईएस्ट स्कोर वो किसका रहा था राजस्थान रॉयल्स व राजस्थान रॉयल्स का और लोएस्ट किसका रहा था आर का तो ये तो कुछ पॉइंट मैंने बता दिया अब आते हैं हम लोग जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे एग्जाम पॉइंट के से वो जान लीजिए क्या है 2022 के आईपीएल का चैंपियन कौन रहा गुजरात टाइटंस इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न कौन रहा बॉलर थे उमरान मलिक ये क्या रहे इमर्जिंग प्लेयर रहे वहीं सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन कौन रही दिनेश कार्तिक रहे एक का सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट रहा है। इनका फिनिशर रही ये यार किसके आर की गेम चेंजर ऑफ द सीजन कौन रहा जोश बटलर जोश बटलर ने तो इस बार चार सेंचुरी मारी वहा मज़ेदार परफेक्ट कैच ऑफ़ किसने किसका है लुईस का इसने चहल कि, कि इस 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 ने, ने सत्ताइस विकेट जोस बटलर ने सबसे ज्यादा रन बनाए आठ सौ तिरसठ रन बनाए ऑरेंज कैप में मिला उसे और वेल्यूवल प्लेयर भी कौन था जोस बटलर सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन जोस बटलर फेयर प्ले अबाउट किस कि, किसको मिला गुजरात टाइटन्स राजस्थान रॉयल्स को तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं <coughs> अब आते हैं हम लोग जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं हमारे जीएस पेपर थ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा से तो इसको हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे दोस्तों तो आइए स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स को यहाँ पर एक बहुत बहुत सारी बार ये वर्ड यूज होगा यहाँ पर वर्ड क्या है स्टेट क्राफ्ट यानी शासन कला यानी शासन यानी जो राज्य हो गया उसके पास क्या क्या जो है चीज़ें हैं वो कर सकता है शासन कला तो इसको हम बहुत ज़्यादा बर्ड आएगा तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिए इसका मतलब होता है क्या शासन कला यानी शासन के पास जो पावर है उनका यूज करते हुए समस्याओं से निपटना तो अभी हमें रिसेंट क्या देखने को मिल रहा है घटनाएँ किस तरीके से हमें पूरे वर्ल्ड की देखने को मिल रही तो ये न्यूज़ में रहने का कारण क्या है दोस्तों इसका कारण ये है कि जिस तरीके से अभी वर्ल्ड में जो सिचुएशन बन रही है यूक्रेन वॉर हो गई नोटो नैटो हो गई तो इन सभी पर पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो साउथ एशिया हो गई उन सभी जो न्यूज पेपर हो गए हर जगह सोशल मीडिया को आपको सिर्फ यही देखेगा यही कंटेंट देखेगा लेकिन समस्याएं कहाँ आप खड़ी होती समस्याएं ये होती हैं कि इंडिया में अभी भी नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट सब जगह सिचुएशन क्या है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम्स हैं तो ये सभी सिचुएशन क्या है बैकबर्नर हो चुके हैं यानी क्या हो चुके हैं पीछे ठंडे वस्ते में पहुंच चुके हैं क्यों क्योंकि ये सारे मुद्दे हैं सभी न्यूज़पेपर के क्या हेडलाइंस बने हुई हैं तो इंडिया की जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जो सुरक्षा के लिए जो समस्याएँ हैं वो क्या हो चुकी हैं बैक बर्नर बन चुकी हैं ठंडे वास्ते में पहुंच चुकी हैं तो बेसिकली इस वजह से ये जो है आर्टिकल वो न्यूज में आ चुका है तो मेन जो कंसर्न क्या है लिमिटेशन ऑफ सिक्योरिटी विजिलेंस हमें क्या देखने को मिला कि हमें अपनी जो सिक्योरिटी एजेंसी हो गई अब ऐसे क्या करना अपना जो विजिलेंस है इसको और टाइट करने की ज़रूरत है ताकि जो कहीं कहीं हमें जो घटनाएं देखने को मिलती हैं सिक्योरिटी एजेंसी क्या कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी हो गई ये इमीडिएट जो थ्रेट होता है उसके लिए ही सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती हैं तो हमें क्या करना होगा अपनी जो सिक्योरिटी एजेंसी हो गई इनको और ज़्यादा टाइट करना होगा अपना विजिलेंस ताकि इमीडिएट इफेक्ट जो होता है उससे पहले भी उन समस्याओं का ये लोग पता लगा पाएँ और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सोचना होगा और हमें इसके लिए क्या करना होगा हमें जो माइंड सेट है ये चेंज करना होगा कौन अथॉरिटी की हुआ? और साथ ही जो चैलेंज जो एडजस्टिंग हमारे जो बॉर्डर के साथ डिस्प्यूट देखने वाला है इन सभी को लेकर हमें इस तरीके की सिचुएशन बनानी होगी ताकि जो सिक्योरिटी के लिए जो कंसर्न है कहीं ना कहीं उनको हम लिमिटेड कर पाएँ साथ ही अब जो नेक्स्ट चैलेंज बन चुका है ये क्या बन चुका है कि अब जो वॉरफेयर टेक्निक यूज की रहे कर रहे हैं जो आतंकवादी हो गए वो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो ये एक नया खतरा बन रहा है और ज़्यादा जो सिक्योरिटी एजेंसी हो गई हमारी उसे तो अब ऐसे अगर हम देखें तो क्या करना जो ना केवल सिक्योरिटी एजेंसी के लिए महत्वपूर्ण काम करना होगा बल्कि जो हमारे स्टेट क्राफ्ट हो गए शासन हो गए गवर्नमेंट हो गए इनके लिए भी क्या है कॉम्प्रिहेंसिव इनहेरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं इनके सॉल्यूशन के ढूंढने की ज़रूरत है और क्विकली रिस्पॉन्ड करे जो जितने भी जो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं इनके साथ और साथ ही इनको छोड़ने की जरूरत नहीं है रैदर देन लिविंग एवरीथिंग टू सिक्योरिटी एजेंसी यानी सारा काम सिक्योरिटी एजेंसी पर ना छोड़ें बल्कि क्या जो गवर्नमेंट हो गई सरकार हो गई स्टेट क्राफ्ट हो गई ये सभी हमारे जिस सिक्योरिटी एजेंसी के साथ में अगर काम करें तो डेफिनेटली हम इसका और सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं साथ ही इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है जो पॉलिसीज हो गई इन जो प्रोग्राम्स हो गए ये बन तो जाते हैं लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है ताकि हम और ज़्यादा चीज़ों को सही कर पाएँ स्ट्रेंदन कर पाए और जो सभी इनिशियल फेज में रहती हैं इनको कहीं ना कहीं हम देखें तो आगे ले कर चलें साथ ही जो अगर हम देखें नॉर्थ में जाएँ तो आप ही अगर कश्मीर कश्मीर एक नया प्रॉब्लम बना हुआ है हमेशा से जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तभी से तो जम्मू कश्मीर में हमें कंटिन्यू इन्वाल्विंग जो माओविस्ट हो गए आतंकवादी हो गई ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं अगर हम देखें जब से हमारा जो आज़ाद हुआ था देश तो जब से जो सेंस अगर हम देखें उन्नीस से ही जो सिचुएशन है ये ख़तरनाक बनी हुई है कहाँ पर वो एक्सट्रीम वायलेंस हमें देखने को मिलता है कहाँ पर जम्मू कश्मीर तो ये क्या है लॉन्ग स्टैंडिंग जो प्रॉब्लम बनी है इसका कोई भी अभी तक कोई भी ऐसा प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है और ख़ासकर सिचुएशन अगर हम देखें जब से क्या है पिछले 18 बीस महीनों में अगर हम देखें जब से हमारा आर्टिकल 370 हटाया है और साथ ही अगर हम देखें अभी देखें अभी जो कॉर्प हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों करंट कॉर्प जम्मू कश्मीर में, में तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है खासकर अगर देखें जो होम होम हौ, ग्रोन जो मिलिटेंट्स हो गए ये ग्रो कर रहे हैं और किस तरह किसकी सहायता से जो आक्रॉस है जो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है दोस्तों और कहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो हो, लोकल्स हो गए उनको ये लोग मिलीटेंट्स बना रहे हैं और इंडिया में यूज कर रहा है तो ये खतरा बना हुआ है साथ ही करंटली अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो कश्मीरी पंडित हो गए इनकी हमें क्लिंग देखने को मिल रही है खा, खा, और इनकी बेसिकली अगर हम देखें तो क्यों क्योंकि बहुत सारे कश्मीरी पंडित क्या है रिटर्न हो रहे हैं और उन्हें जो गवर्नमेंट और जॉब्स हो गए वहाँ पर कंसेसन कंसेंस मिल रहा है और अब भी अगर हम देखें रिसेंट जो घटनाएँ देखने को मिली जो किलिंग हुई जो पुलिस पर्सनल्स हो गए जो ड्यूटी पर थे दोस्तों इवन कुछ लीव पर भी थे इनको क्या है मारा जा रहा जो कश्मीरी पंडित है वो कहाँ पर कश्मीर में है? तो ये देखने को मिल रहा है सिचुएशन साथ ही इसका मतलब यह है कि जो मिलिटेंट्स हो गए इनके लिए ना केवल जो हमारी ऑफिशियल मशीनरी पता है उसके बारे में साथ ही जो एक्सेस भी है कुछ जो बैंक्स हो गए पुलिस सिक्योरिटी एजेंसी हो गई इन सभी की और अनसर्टिनिटी बनी हुई है इसकी वजह से पूरे क्या है जे के रीजन में अगर हम देखें तो खतरा भी मर रहा रहा है जो जून में हो रही हमारे हमारी इस बार जो अमरनाथ यात्रा है इस पर भी क्या है टारगेट हो सकता है मिलिटेंट्स ग्रुप का तो ये भी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है के में साथ ही अनप्रेडिक्टेबल पूरी सिचुएशन बनी हुई है अगर हम बात करें जो फेवरेबल जो अगर हम देखें जो फेवर एंड ग्रेटर वायलेंस हमें देखने को मिला तो इसमें जो डिफ़िकल्टीज है और ज़्यादा बढ़ रही है और साथ ही जो कंटेंट करने की ज़रूरत है ताकि और ज़्यादा सिचुएशन हमारे हाथ से ना निकल पाए तो ये तो हमने जम्मू कश्मीर की बात करी अब आते हैं हम लोग इंडिया में अगर हम बात करें जो माओस्ट हो गई जो नक्सलवादी हो गई जो अलगावादी हो गई इनकी भी हमें इंडिया में एक बहुत ही बड़ी ये भी थ्रेट है हमारी नेशनल इंटैग्रिटी के लिए तो इसके लिए अगर हम देखें ये सिचुएशन कब से इवॉल्व हुई थी उन्नीस सौ के सत्तर डेकेट से अगर हम देखें चारू मजिमदार की जो विचारधारा थी इसको धीरे धीरे ग्रो अप होने लगी तो ये इनकी वजह से क्या है पूरी सिचुएशन आगे बढ़ती गई तो ये तो थी नक्सलवाद की प्रॉब्लम्स और ये हमारे अगर हम देखें तो खासकर अगर हम अभी देखें ओडिशा हो गया छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलती थी कुछ घटनाएँ छोटफ तो ये सिचुएशन भी हमें देखने को मिलती है तो अभी भी ये सिचुएशन बनी हुई है और पंजाब में अगर हम आए तो पंजाब में क्या है प्रो खालिस्तान की मांग करते हैं तो पंजाब में भी हमें ग्रुप्स देखने को मिलते हैं बहुत सारे अगर हम देखें रिसेंट में क्या है एक घटना देखने को मिली यहाँ पर जो अटैक्स हुए थे तो बहुत सारे क्या है स्लीपर सेल्स अभी भी काम कर रहे हैं पंजाब में भी तो ये मिलिटेंसी हमें देखने को मिल रही है हरियाणा हिमाचल प्रदेश में जो घटनाएं अभी हमें देखने को मिली थी इसमें अगर हम देखें जो पंजाब पुलिस जो इंटेलिजेंस विंग है मोहाली तो इसने क्या कहा है जो वरार खालसा इंटरनेशनल हो गए दोस्तों ये सभी अभी जो रिसेंट घटनाएं देखने को मिली थी तो इनका हाथ था इसमें घटना में, में। भाई अगर हम देखें जो खपुर खालिस्तान सेंटिमेंट हो गए ये प्रेजेंट अगर हम देखें पॉकेट्स कहाँ है यूनाइटेड किंगडम हो गए यूरोप हो गए कुछ कनाडा में बेस्ट भी हैं तो ये देखने को मिलते हैं सिचुएशन वहीं नॉर्थ इंडिया में अगर हम आए नॉर्थ ईस्ट में अगर हम आए तो सिचुएशन आसाम में भी सही नहीं है वहाँ पर जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आसाम में इंडिपेंडेंट है ये मांग करता है आसाम को अलग राज्य बनाने की साथ ही और सिचुएशन अगर हम देखें ये कहाँ से ऑपरेट होता है म्यांमार से ऑपरेट होता है ये भी अब क्या कर रहा है धीरे धीरे अभी कुछ डेकेड में ये ठंडा होता गया था लेकिन डिक्लाइन हुआ था लेकिन लेटेस्ट जो रिपोर्ट निकल के आ रही है इसमें ये पाया जा रहा है कि ये लोग फिर से अपनी जो भारतीय प्रक्रिया है इसको चालू कर रहे हैं तो ये आगे बढ़े उससे पहले हमें इसको कर्व करने की ज़रूरत है ताकि सिचुएसन हमारे यहाँ से निक, ना निकल पाए तभी हम क्या है सिचुएसन को सही से रख पाएंगे वहीं नागालैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल है में है ये भी क्या कर रहे हैं फेस फिर से जो अपने इनिशिएटिव हैं इनको स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सिचुएशन हमारे हाथ से ना निकल पाए तो अभी से हमें इसके सॉल्यूशन और निकालने की ज़रूरत है ना केवल स्टेट क्राफ्ट बल्कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी हो गई ये सभी मिल काम करने होंगे वहीं साउथ में भी हमारा कुछ बचा हुआ है नहीं है सिक्योरिटी से, से यहाँ पर भी खतना हमें देखने को मिलता है वही अगर हम बात करें यहाँ पर हमें कौन से ग्रुप लिट्टे लिब्रेशन टाइगर ऑफ तमिलियम तमिल एलम ये हमें देखने को मिलते हैं तो ये सिचुएशन अगर हम देखें जिस तरीके की सिचुएशन हमें उन्नीस सौ अस्सी के दशक में देखने को मिलती थी हालांकि उस टाइप की सिचुएशन तो अभी नहीं है लेकिन अगर हम देखें तो धीरे धीरे ये रीच आउट कर रहे हैं एलिमेंट हैं तमिलनाडु में रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं हालाँकि अभी सिचुएशन वैसी नहीं है कि जिस तरीके से उन्नीस सौ अस्सी के दशक में हमें देखने को मिलते थे ये ग्रुप बेसिस इस्टेब्लिश हो पाए लेकिन ये भी ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं पॉसिबिलिटीज ये भी है कि रिवाइवल ये हो सकते हैं तो इसके सॉल्यूशन में आप क्या लग सकते हैं सॉल्यूशन यही है कि जितने भी हमारी जो समस्याएं हैं इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड उन समस्याओं को ना केवल हमारे जो पॉलिटिकल राजनीता जो गवर्नमेंट हो गई वो साथ ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस हो गई हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी हो गई ये सभी अगर मिल के काम करते हैं गवर्नमेंट मिल के काम करते हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए काम करती हैं तो डेफिनेटली हम इनका सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं तो ये आप उसके सॉल्यूशन में लिख सकते हैं अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर ये हमारे जी पेपर टू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और खासकर हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आइए इसको डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल को अभी क्या हमें देखने को मिला है जो से ग्लोबल एडल्ट टवैको जो सर्वे निकल के आया उसमें क्या एस्टीमेट निकल के आया उसमें एस्टीमेट ये निकल के आया कि 28 परसेंट ऑल जो एडल्ट हैं दोस्तों हम अगर हम देखें तो ये क्या है टम्बू यूज करते थे ये डेटा दो हज़ार सोलह सत्रह का है सेकेंड ओनली ये क्या है चाइना और इस सर्वे में क्या बताया गया है कि बयालीस परसेंट मैन मैन और चौदह परसेंट क्या है वुमेन टवैको यूज करती हैं जिसमें दोनों प्रकार की स्मोक लेस यानी जिसमें धुआँ नहीं जिस निकलता और जो स्मोक फॉर्म रहती हैं जैसे सिगरेट हो गया बिड़ी हो गई ये सारी चीज़ें उन्नीस से में क्या हुआ था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था वर्ल्ड नो no को डे मनाने को यानी इसके लिए जो एल इफेक्ट है ये बताने के लिए इसको अटेंशन दी गई थी तो तब से ये मनाया जा रहा है भाई अगर हम देखें पॉइजनिंग अवर प्लेनेट जो वर्ल्ड है ये हमारे प्लेनेट को क्या है पॉइजनिंग जहरीला कर रहा है तो इस बार की जो थीम है वो क्या है वर्ल्ड नो की वो है एफर्ट टू हाईलाइट द एल इफेक्ट ऑफ तबैको ऑन एनवायरनमेंट यानी तंबैकू के कारण जो पर्यावरण पर पड़ने पर, पर, वाले परिणामों को उजागर करना इस बार का क्या है थीम है तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार की वर्ल्ड नो टबैको डे की थीम क्या थी तो ये थीम इस तरीके से आपसे पूछ ली जा सकती है भाई अगर हम इसके इफेक्ट देखें टबैको के की ना केवल हेल्थ पर बल्कि हमारे पर्यावरण पर भी इसके इफेक्ट एफ, देखने को मिलती हैं क्या क्या है स्मोकिंग से आठ मिलियन पीपल मारे जा रहे हैं सबसे पहला इफेक्ट ये है दूसरा क्या है छः मिलियन पेड़ काटे जा रहे हैं तो ये दूसरा इफेक्ट है साथ ही जो सेगरेट हो गई है इससे अगर हम देखें तो चौरासी मिलियन टन क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है तो ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है और अगर हम देखें इससे जो एटमोसफेयर अगर हम देखें तो इसमें 22 मिलियन जो लीटर वाटर क्या है सिगरेट वगैरह इस तरह में क्या है यूज़ हो रहा है तो हमारे ना केवल हेल्थ के लिए बल्कि इन्वामेंट के लिए भी खतरा है और अगर हम एडिशन में और भी चीज़ें जैसे देखें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई सिगरेट के जो वट्स हो गए पैकेजिंग हो गई प्लास्टिक जो हो गई तो ये भी क्या है कहीं ना कहीं और जो ई सिगरेट हो गए ये भी क्या है हमारे पॉल्यूट कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को तो ये हमने हार में इफेक्ट जाने एनवायरनमेंट के हेल्थ एंड एनवायरनमेंट पर साथ ही अगर हम देखें दुनिया भर में अगर हम देखें तो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया तबैकू का और अगर हम देखें तो कितना एट्टी मिलियन के जी एनअली प्रोड्यूस करता है इंडिया आठ मिलियन के बहुत ही बड़ा नंबर है तो. और साथ ही इसको लेकर अगर हम देखें जो हमने क्रिएटिंग अवेयरनेस तो फैलाई है एल इफेक्ट इसके तब्कू को लेकर तो इसके कुछ अच्छे रिजल्ट भी निकल के आए जिसमें से अगर हम देखें तो नब्बे परसेंट एडल्ट हैं भारत की वो मानते हैं कि हाँ तमैकू से नुकसान होता है हमारे हेल्थ को तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें पूरे कैंपेन चलाने की ज़रूरत है ताकि जो इसके तमैकू की जो फार्मर्स हो गए ये तो इससे बहुत सारे फार्मर्स भी जुड़े हुए और साथ ही हमें अवेयरनेस कैंपेन और ज़्यादा चलाने होंगे ताकि हम कही कहीं ना कहीं ओवरकमिंग में जो एल इफेक्ट हैं इनको कम कर पाएं तो ये सारी सिचुएशन है और एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने यहाँ पर बताना है वो है अननोटिस इन डिफॉरेस्टेशन यानी एक बड़ा इशू ये भी है कि तमैकू से हमारा जो बहुत सारे पेड़ भी काटे जाते हैं तो डीफॉरेस्टेशन इन्वामेंट के लिए भी थ्रेट है एनुअली अगर हम देखें तो फार्मर से कनेक्ट हैं तो जो सेंट्रल टमैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितने छ छः मिलियन जो फार्मर हैं बीस मिलियन जो लेबरर फार्मर हो ये सभी क्या हैं टिको प्रोडक्ट से जो इसके इससे जुड़े हुए हैं रोज़गार मिल रहा है ऑल दो अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो जीडीपी में एक परसेंट पर स्टडी हमें देखने को मिला है किसका टबैक्ू का और अगर हेल्थ पर अगर हम देखें स्पेंडिंग इससे बढ़ जाती है कितनी फाइव पॉइंट फाइव परसेंट ये हमारे खर्चा बढ़ा देता है तो सीरियस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज तो हैं लेकिन इसके सोशल डिसरप्शन भी हमें देखने को मिलती हैं वहीं अगर हम देखें थैंकफुली जो राइटर्स का कहना है कि अभी जो कुछ अच्छे इनिशिएटिव भी लिए गए हैं खासकर रिडक्शन ऑन डीफॉरस्टेशन कार्बन क्रेडिट जो स्कीम लाई गई है इसमें जो कार्बन क्रेडिट बॉन्ड परचेज कर लिया जाता है उससे जो पैसा मिलता है उस पैसे को कहाँ और एनवायरमेंट पे खर्च किया जाता है वहीं अगर हम देखें इंडिया का जो अच्छा टारगेट भी है जीरो कार्बन फ्रॉम इंटरनेशनल जो कम्युनिटी सेक्टर हो गए कुछ कंपनी भी हुई दोस्तों ये भी प्रेशर फोटअप कर रही हैं जो सप्लाई चेन हो गई सस्टेनेबल प्रैक्टिस बनाने की कर कोशिश कर रहे हैं रेड्यूस कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन को कुछ कंपनी जैसे यूनी लेबर हो गया है अमेजोन हो गए नेशनल हो गए अली बाबा महिंद्रा ग्रोप ये सभी कंपनियाँ है क्या हैं अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रही हैं हालांकि कार्बन जो सिंक हो गई और जो कार्बन एमिशन हो गए इनको पॉइजन हो रहा है बिलियन सौ डॉलर इन पर खर्च कर रही हैं कंपनियाँ वही अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारे देखें जो बहुत सारे जो फार्मर्स अभी भी क्या हैं इस पर डिपेंडेंट है और अगर हम देखें जो कुछ कंपनियां हैं तो ये तो अपनी जो रेवेन्यू के जो सोर्सेस हैं बहुत क्या है अपने जो रेवेन्यू की सोर्सेस हैं चेंजेस भी कर रही हैं और अगर हम देखें बहुत ही हाज लार्ज नंबर पर फॉरेस्ट जो कार्बन क्रेडिट है ये बाय भी कर रहे हैं ये लगता है कि अच्छे तरीके से इन्वामेंट को काम कर पाएँ बेटर वेफोर बेटर देन वेफोर यानी पहले से अच्छे कुछ ट्रांजिशन हमें देखने को मिले हैं वो क्या कहें जो कंपनियां हैं वो निकोटिन निकोटिन की तरफ जा रही जो टमैको हो गया हो उससे निकोटिन की तरफ जा रही है ये कुछ कम होता है यानी जो कैंसर वगैरह हो गए इसका लो रिस्क हमें देखने को मिलता है निकोटिन का तो इस तरफ जो कंपनी है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रही हैं तो ये अच्छा मतलब पहले से कुछ ना होने से तो अच्छा ही है वहीं अगर हम देखें जो इसका कंज्यूम अगर हम देखें तवैक्यू का तो ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इसके कंज्यूम अगर कोई करता है तो इसके जो इफेक्ट हैं इसके ख़िलाफ़ हमें एजुकेशन देनी चाहिए कैंपेन चलानी चाहिए साथ ही अगर हम ये कर लेंगे तो हमारा जो प्लेनेट है इसको तो हम प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे साथ ही हमारे जो लंग्स हो गए और साथ ही जो हम जहाँ हवा जो इसमें हम सांस ले रहे हैं उसको भी बचा पाएंगे क्योंकि उनकी सिगरेट वगैरह से बहुत ही लार्ज स्केल पर सी क्या है एनवायरनमेंट में आता है तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है अब आते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर ये आर्टिकल न्यूज में क्यों है बेसिकली इसमें हम लोग जानेंगे ओवरव्यू लेंगे कि जो 24 फरवरी को जब से क्या किया गया था रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था तब से अभी तक जो रशिया का कंट्रोल कहाँ कहाँ है तो वो हम देखेंगे तो अभी आप इसमें देख पाएंगे कि ये जो सिचुएशन है यहाँ पर रशिया का कंट्रोल कब से था चौबीस फरवरी से पहले ही था इन एरिया में वही अभी जो मेन टसल वाला एरिया है वो कौन सा हमें देखने को मिला है? ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए ये हो गए ग्रीन वाली यहाँ पर हमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट देखने को मिल रहा है वहीं अगर हम देखें ये जो है पॉइंट जैसे मैली मे, टोपल हो गए खैर शोन हो गई इन सभी को कहाँ पर किसके कब्जे में रसिया के कंट्रोल में ये सभी हमें देखने को मिल रहे हैं वहीं लोहाना को डॉन्स्टेक वाला ये रीजन है इसको रसिया ने इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया है तो ये पूरा अगर हम देखें यूक्रेन का जो ईस्टर्न बॉर्डर अगर हम देखें और साथ ही यहाँ पर अगर आप आग आ जाए सी एफ एजो में और ब्लैक सी वाला जो एरिया हुआ है इन सभी में अगर हम देखें तो रशिया ने अच्छी खासी जो लैंड है ऑक्यूपाई कर रखी है यूक्रेन की एक बफर जोन क्रिएट कर लिया है इस पूरे रीजन में ये सिचुएशन हमें अभी देखने को मिल रही है अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर ये आर्टिकल हमें क्या हम देखने को मिल रहा है दोस्तों इंडिया में अगर हम देखें तो अभी तक अगर हम देखें तो ज़्यादातर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किससे प्रोड्यूस होती है कोयला से तो धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं अगर हमारी जो नेचुरल गैस है उस पर डिपेंड हो जाती है या फ्रिएबल एनर्जी पे हो जाती है तो ये अच्छा रहेगा हमारे इस सेक्टर के लिए कोल के लिए ताकि हम क्या है जो कम से कम जो गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हो गई और साथ ही जो हमारे ग्रीन हाउस गैसे हो गई इनका हम क्या है कम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा खासा इसमें बेनिफिट्स होगा अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर ये आर्टिकल अगर हम देखें दोस्तों क्या हुआ नेपाल की जो एयरलाइन है तारा एयरलाइन इसका क्या हुआ ये दोस्तों संडे को अगर हम देखें तो जो मोतांग डिस्ट्रिक्ट माउंटेन रीजन हो गए वहाँ से ये लोग गायब हो गए थे दोस्तों बाईस बाईस पीपल थे इसमें तो इनका अब जो मलबा है मिल गया है इसमें अगर हम देखें तो इक्कीस वॉड अभी इसमें से कवर हो चुके हैं डेथ हो चुकी है इक्कीस लोगों की और बाही एक अभी क्या पर्सन मिसिंग है तो उसकी भी अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसको भी ढूंढा जा रहा है अब आते हैं जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन क्या था राइट टू वोट ये क्या है कौन सा फंडामेंटल राइट है नेचुरल राइट है लीगल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपको इसका राइट आंसर बताना था तो ये अगर हम देखें दोस्तों ये हमारा कौन सा राइट हमें देखने को मिलता है तो इलेक्शन टू बी हाउस ऑफ पीपल एंड द लेजिस्लेशन असेंबली स्टेट टू बी बेसिस ऑफ एडल्ट सेफर्स यानी आर्टिकल 326 के तहत हमें क्या है तो ये राइट दिया गया है तो ये हमारा कौन सा राइट हुआ ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें देखने को मिलता है तो ऑप्शन इसका सी क्या हुआ राइट आंसर हुआ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को शेयर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें मिल जाएगी तब तक के लिए पढ़ते रहिए मस्त रहिए हैं, मिलते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जय हिंद